और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। तो संघ ने हरी झंडी दे दी है योगी के फॉर्मूले को, योगी के नारे को। नारा बटेंगे तो कटेंगे वाला, और इसके जरिए फॉर्मूला हिंदुओं को एकजुट रखने का फॉर्मूला, जाति सियासत के चक्रव्यूह को तोड़ने का भी फॉर्मूला, जिस पर चलकर बीजेपी न सिर्फ अपने बूथ को और मजबूत कर सकती है बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे पर सत्ता में लंबे समय तक बनी भी रह सकती है। योगी का ये नारा और फॉर्मूला अब टेस्टेड भी है। हरियाणा में उम्मीदों के उलट इस नारे ने कमाल किया। सत्ता से बाहर जाती दिखी बीजेपी ने रिकॉर्ड हैट्रिक जड़ दिया। इसके बाद तो तय हो गया कि विपक्ष की जाति वाली सियासत का चक्रव्यूह योगी का ये नारा और फॉर्मूला ही तोड़ सकता है। इसीलिए अब सीधे सीधे संघ से संदेश आया है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा वैमनस्य वाला नहीं बल्कि एकता बढ़ाने वाला है। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा। तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारी गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। संघ का ये संदेश यूं ही नहीं आ गया। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद और यूपी महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मथुरा में योगी और संघ प्रमुख भागवत की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में ये बैठक करीब आधे घंटे चली, जिसमें योगी ने संघ प्रमुख के सामने अपनी बातें दिल खोल कर रखी। बहुत मुमकिन है कि इस बैठक में हिंदू वोट बैंक को जातियों में न बंटने देने पर चर्चा हुई हो और हरियाणा को नजीर मानकर ये तय हुआ हो कि हिंदुओं को एकजुट रखना है तो संदेश देना है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जोर शोर से योगी के इस नारे का समर्थन कर दिया गया। हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बीच चुनाव संघ का यह संदेश इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इससे एक सिग्नल मिला है कि बीजेपी आगे किस रणनीति से चुनावों में जाएगी। सामने यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। 9 सीटों पर हिंदुओं को एकजुट तो किया ही जा रहा, महाराष्ट्र में भी कई उम्मीदवार मांग करने लगे हैं कि उनके इलाके में योगी की रैली रखी जाए। ये तस्वीर देखिए, जब मुंबई की सड़कों पर योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लग गए थे। जाहिर है बीच चुनाव संघ के इस संदेश के बाद बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने वाली रणनीति और इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ मजबूती से आगे बढ़ सकती है। फिर बहुत मुमकिन ये भी है कि महाराष्ट्र के चुनावी मंचों से योगी की दहाड़ और उनके इस नारे की गूंज ज्यादा सुनाई दे। इसका ट्रेलर या यूं कहिए कि विपक्ष में बौखलाहट भी दिखने लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि आरएसएस का मंसूबा ध्रुवीकरण का है और योगी का ये जुमला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये आरएसएस का हमेशा से मंसूबा ध्रुवीकरण की राजनीति करने का रहा है, बंटवारे की बात करने का रहा है, बंटवारे की राजनीति करने का रहा है। मुझे नहीं लगता है, महाराष्ट्र की जमीन एक अलग तरह की है, महाराष्ट्र के जनता का विचार एक अलग तरह का है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और ऐसे महापुरुषों का राज है,
उनकी विचारधारा यहां पर चलती है, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस अपने मंसूबे में पूरा होगी। ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनकी सभा की डिमांड होगी, इसलिए कि एक ही अभी इलाज इनके पास है, महायुति के पास, बीजेपी के पास एक ही है कि बंटवारा करो, समाज समाज में, धर्म धर्म में भेद करो, समाज में भेद करो, जाति में भेद करो, ये इसके लिए उनको योगी चाहिए। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सब समान है। कांग्रेस की इस बौखलाहट की वजह भी है, योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 रैलियां की जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते, यानी करीब 70% का विनिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों ही जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। अब सवाल यूपी उपचुनाव का है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का है। बीजेपी और संघ को पता है कि इन दोनों चुनावों में कामयाबी मिली तो एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर हालात बीजेपी के लिए 2019 जीत जैसे हो जाएंगे। 24 के चुनावी झटकों से पार्टी उभर जाएगी, इसीलिए संघ ने कमर कस ली है और बीजेपी तैयार है हिंदुओं को एकजुट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो खुलने जा रहा है देश के सबसे बड़े सूबे यूपी और महाराष्ट्र के चुनावों में।